ये हैं उत्तराखंड के युवा फुटबॉलर हेमराज जौहरी। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेमराज कॉर्नर किक से गोल करते दिख रहे हैं। इस कमाल के गोल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इसी वीडियो को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। तो वहीं हेमराज के इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और उन्हें उत्तराखंड का मेसी कह रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो जोहार क्लब मुनस्यारी में हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट का है। हेमराज ने मैच के दौरान गोल इसी खूबी के साथ दागा कि गोल पोस्ट के पास पहुंचते ही फुटबॉल हवा में लेफ्ट टर्न लेती हुई गोल पोस्ट में जा घुसी। हेमराज द्वारा मारी गई कॉर्नर किक के सीएम धामी भी फैन हो गए। पुष्कर सिंह धामी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए हेमराज के हुनर की तारीफ की, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामना भी दी। सीएम धामी ने ट्वीट किया, उत्तराखंड राज्य में युवा प्रतिभा की कोई कमी नहीं। सीमांत क्षेत्र मुनिस्यारी के हेमराज जौहरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। राज्य सरकार नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे प्रतिभावान युवाओं को उचित मंच प्रदान करने का काम कर रही है। हेमराज को उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हेमराज वर्तमान में दून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हैं और वो पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। बेहद गरीब परिवार में जन्मे हेमराज के पिता दुर्गाराम सिलाई का काम करते हैं, जबकि माँ पुष्पा देवी गृहिणी है। हेमराज ने अभी तक 4 नेशनल सब जूनियर गेम खेले हैं। हेमराज से जब वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया और सीएम के ट्वीट के बारे में उन्हें बताया गया, तो उन्होंने सीएम से गुजारिश की कि भविष्य में गांधीनगर में खेल मैदान दे दें ताकि गरीब परिवार के बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारने के साथ ही प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। साल 1940 के दौरान खीम सिंह सोन, भैरव जंग थापा और त्रिलोक बसेड़ा समेत अन्य लोगों ने मिलकर एक फुटबॉल टीम बनाई जिसका नाम स्टेशन टीम था। उस समय शहर की यह पहली फुटबॉल टीम थी। फुटबॉल के शुरुआती मुकाबले स्टेशन टीम हाई स्कूल टीम के बीच हुए। आपको बता दें कि हेमराज जौहरी के गोल के पीछे एक पूरी संघर्ष गाथा छिपी हुई है। हेमराज जौहरी के पिता सिलाई का काम करते हैं, उनकी और 4 बहनों की जिम्मेदारी पिता पर है। हेमराज के मुताबिक जब वो स्पोर्ट्स कॉलेज से छुट्टियों में घर आते हैं तो इतने पैसे नहीं होते कि जरूरी डाइट पूरी हो पाए। गांव से देहरादून जाने के लिए भी पिता को कई बार उधार मांगकर पैसों का इंतजाम करना पड़ा है। इस उभरते हुए फुटबॉल प्लेयर का बस एक ही सपना है, वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।